बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हेल्दी होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआ में याद रखना। तो आज हम बनाने लगे हैं मूंगी मसरी की और चने की दाल, बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत मज़े की, ये टेस्ट इतना अच्छा आता है इसका, बच्चों को भी पसंद होती है, बड़ों को भी पसंद होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आए आज शुरू करते हैं कैसे ये तैयार करती है दाल। ठीक है, ये मैंने पहले से दाल के लिए, मैंने आपको बताया ना, पहले से कटिंग करके चीज़ें रखी हुई हैं। प्याज एक अदद छोटा सा लिया था, सब्ज़ मिर्चें एक अदद, टमाटर, नमक, रेड चिली, धनिया पाउडर, साथ हल्दी पाउडर, ये अचार गोश्त मसाला, ये कुछ लहसुन के जवे निकाल के रखे हैं, साथ ये मैंने दाल वाश करके पहले से रखी हुई है, मूँगी की दाल है, मसरी की है, और साथ चने की ऐड इसमें थोड़ी सी ऐड की है, ज़्यादा नहीं मैंने ऐड की। तो आज शुरू करते हैं हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मैंने सारे मसाले निकाल के रखे थे ये ऐड करती हैं इसमें, पानी इतना ऐड करूँगी, प्रेशर में प्रेशर लगाऊंगी, प्रेशर करने से बहुत अच्छी दाल बनती है, सारी अच्छे से गल जाती है, घुल भी जाती है। अब इसको प्रेशर करती हूँ, ये अभी मैंने प्रेशर ओपन किया है, 10 से 15 मिनट मैंने इसको लगाया था, लगाने के बाद अभी ये देखो ये इसकी आ रहा है, तो अभी टमाटर नज़र आ रहे हैं खड़े खड़े, ये अभी इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी, पकाने के बाद आपको फिर दिखाती हूँ। अभी इसे पकने के लिए रखती हूँ, दाल बिल्कुल तैयार है, तैयार हो चुकी है बिल्कुल। अब इसको मैं इसके लिए तड़का तैयार करती हूँ, इसके लिए मैंने तड़का पहले से ये तैयार करके चीज़ें रखी हुई हैं, प्याज कटिंग करके रखा है, ज़्यादा प्याज नहीं लिया, हाफ प्याज कटिंग किया था मैंने, साथ लहसुन के बारीक कटिंग करके रखे हैं, इसका मैं चूल्हे पे चढ़ाती हूँ। मैं ये मैंने बेरी मिर्च भी ऐड की है थोड़ी सी, ये तड़के के लिए, तड़का तैयार हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, ये इसमें आप ये मैंने मिर्चें भी कटिंग करके रखी हैं और साथ धनिया ये ऐड करती हूँ इसमें, ये मैंने पहले से ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की ये दाल बनी है, अभी आपको मैं सब करके दिखाती हूँ, यम्मी यम्मी। तो ये दाल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये दाल तैयार कर चुकी हूँ, तो बहुत मज़े की, बहुत ये यम्मी यम्मी रेसिपी बनती है, ट्राई ज़रूर करना। साथ मैंने रोटी भी बना ली है, साथ थोड़े से चावल उबाइल किए हैं, साथ प्याज कटिंग करके रखे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इंशाल्लाह जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मुझे दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।